नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम हथेली में ऐसे रेखाओं के बारे में समझेंगे, ऐसे एक चिन्ह के बारे में समझेंगे जो हमारे जीवन में आर्थिक तंगी को दूर होने का संकेत देती है। प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार के चिन्ह हथेली में दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि आर्थिक तंगी नहीं होने वाला है, धन का अभाव नहीं होगा। और साथ ही साथ जिन लोगों के हथेली में यह चिन्ह होगा, जो चिन्ह मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यदि इस प्रकार के चिन्ह हैं और वह व्यक्ति यदि व्यापार से जुड़ा हुआ होगा, व्यापार से जुड़ा हुआ है, तो आप समझिए कि वह अपने जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी नवीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, आइए समझते हैं हथेली में बनने वाले इस योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, व्यापार से संबंधित कोई भी प्रश्न हो और बुध का विचार न किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस योग में, इस लकीर में, इस चिन्ह में व्यापार से संबंधित लाभ के बारे में भी बताया गया है। तो कुंडली में या हथेली में हम बुध को विशेष रूप से देखते हैं, क्योंकि व्यापार से संबंधित प्रश्न और बुध का विचार न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्रिय दर्शकों, हथेली में कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग में बुध का पर्वत होता है। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि कनिष्ठिका उंगली के मूल में यहाँ पर जो पर्वत होता है, यह बुध का पर्वत होता है। इतना दूर ये बुध का पर्वत है। यदि इस बुध के पर्वत पर खड़ी इस प्रकार से तीन रेखाएं आपको दिखाई पड़े, किस प्रकार से, आइए बुध के पर्वत पर ही देखते हैं। बुध के पर्वत पर इस प्रकार से यदि आपको तीन खड़ी लकीरें दिखाई पड़े, खड़ी लाइन दिखाई पड़े, या फिर इस क्षेत्र पर आपको त्रिभुज का निशान दिखाई पड़े, आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है, दो चीजें देखनी है। पहला तो तीन लकीर होने चाहिए, एक या दो नहीं, तीन, या फिर इस क्षेत्र पर एक त्रिभुज का चिन्ह दिखाई पड़े। तो आप समझ जाइए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की तंगी नहीं होगी, धनाभाव नहीं होने वाला है। और यदि इस प्रकार के जातक जिनके हथेली में बुध पर्वत पर ये तीन लकीरें दिख रही हों या त्रिभुज का चिन्ह बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति यदि व्यापार से जुड़ा हुआ है तो वह निरंतर सफलता प्राप्त करेगा, सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, अपने जीवन में एक सफल व्यापारी अवश्य होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी लोग भी अपने हथेली में इस चिन्ह को देखें। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।